सवितुर्वारि न्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आत्मीय भाइयों, सभी हमारे यहाँ के कार्यकर्ता भाइयों, एक झटका हम लोगों ने साल भर में झेला कोरोना का, और उम्मीद करते हैं कि शायद अगले साल ये न रहे। बोलते नया स्ट्रेन आ रहा है, नया स्ट्रेन आ रहा है, तो कहते हैं वो इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक कैसे हो जाएगा? भारत की परिस्थितियाँ और देशों की परिस्थितियों से अलग हैं। हमारा देश प्राकृतिक जीवन शैली में विश्वास करता है, इसलिए हम लोग घूमने फिरने में विश्वास रखते हैं, इसलिए दूसरा हम लोग जो खान पान है हमारा वो बहुत व्यवस्थित है। इसलिए आप जो पेपर में आता है उसकी चिंता मत करना, चिंता ये करना कि आपकी जीवन शैली में परिवर्तन आया कि नहीं। थोड़ा बहुत घूमना फिरना, चलना फिरना, ये का सब पूरा, और बाकी ये तीन चीज़ें जो मोदी जी बार बार कहते हैं, मास्क, डिस्टेंसिंग, और तीसरा क्या है, हाथ धोते रहो। हाथ धोने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने मन हाइजीन मेंटेन करके रखो, बस और कुछ नहीं। तो ये जो इतनी चीज़ें हैं ये चलती रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी साल भर ये अगला साल भी ठीक से निकल जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वायरस का इतना प्रॉब्लम नहीं है, वायरस जो है वो इतना ख़तरनाक नहीं है। वायरस से ज़्यादा खतरनाक हमारी वाइटलिटी, इम्यूनिटी है। अगर हमारी जीवनी शक्ति मजबूत रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये हमारा जो कार्यक्रम आया है, नया कुंभ महापर्व आ रहा है, और उसके साथ साथ हमने ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ उपासना इसके लिए आपको भेजने का सोचा है। तो आप ये मान के चलिए कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो जो प्रोग्राम है, घर घर गायत्री पहुँचेगी, घर घर गंगा जल पहुँचेगा, घर घर कुंभ पहुँचेगा, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। तो हमारा कार्यक्रम जो है ये धमाकेदार हो जाएगा। घर घर गंगा जल पहुँचेगा, तो गंगा जल का पहुँचना अपने आप में बहुत बढ़िया प्रोसेस है। मैं और ओंकार जी, हम जब शुरू शुरू में पहले, और राजकुमार, हम जब शुरू शुरू में गए तो हमने गंगा जल ही की वो छोटी छोटी सी शीशियाँ थी, ये तो बहुत बढ़िया बन गई ये वाली, तो पिछली वाली तो हमारी छोटी छोटी थी, पर जिन जिन के हाथ में गई उन लोगों ने अपने हमको भाव भरा धन्यवाद दिया कि ये आपने जो हमारे लिए आप लेके आए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। हम तो कल्पना भी नहीं करते थे कि गंगा जल हमारे यहाँ आ जाएगा। आप कल्पना करो, उस समय अपन देव स्थापना करते थे, देव स्थापना में चित्र और गंगा जल तो छोटा बस वो। मैं 1990 की बात कर रहा हूँ, 90, 91, 92, 93 उस समय की बात कर रहा हूँ। तो उस समय एक तो मतलब मैं तो रोते थे लोग बाग, साउथ अफ्रीका में और मॉरिशस में, फिजी में, इन सब इलाकों में लोगों ने ये कहा कि हमारे पास ये आ गया, इसका मतलब ये कि आप हमारी चिंता करते हैं। विदेश के लोग, परिजन, और अगर ये हमने भारत के लोगों में पहुंचा दिया पूरे देश में, तो ये अपने आप में हमारी एक बहुत अच्छी सील पड़ जाएगी। गंगा जल हमारे देश में देने वाली एक ही संस्था है, और वो हमको हमारे घर तक पहुंचाती है, वो है शांति कुंज गायत्री परिवार। इसलिए ये कार्यक्रम धमाकेदार है, और इसकी जो क्रांति होगी, इससे जो विस्तार होगा वो गजब का होगा। शांति कुंज गायत्री परिवार आपके साथ है। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद। ठंडे ठंडे में दिन सुबह से लेकर शाम तक बैठे बैठे, एक तो कोविड की वजह से डरे डरे सहमे, अब देखो अब गर्मी का समय आएगा, कैसे आएगा, पहले अपने मन की गर्मी, अपने मन का उत्साह, अपने मन की तरंग, जो साल भर से बंद अपने बातों में बैठे, ना लोग आ पा रहे हैं, ना हम कहीं जा पा रहे हैं, बस लोगों को एक विश्वास के साथ जाना है, और एक विश्वास दिला के आना है, हम हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हैं। जो प्यार इंद्रों नहीं मिल पाया है, लोग कोरोना से प्रभावित कितने हुए ये बात अलग है, लेकिन उससे डर से ज़्यादा प्रभावित हुए, जो बाहर दुनिया गांव में रह रही है, खेतों में रह रही है, बाकी सब काम कर रहे हैं, अपनों क्या परेशानी है? नहीं, ये सब परेशानी किस बात की है कि हमारा अंदर का मनोबल कहीं डर तो नहीं गया। हमें दूसरों का मनोबल बढ़ाना है, अपना मनोबल बढ़ाना है, और प्यार और सहकार बांट के आना है कि हम अभी भी जैसी भी परिस्थिति है, बाहर लोगों ने
अपनी रोटी मिल बांट के खाई। जो लोग बाहर निकले या घर छोड़ के चले गए, उनके लिए भी रोटी पानी पहुंचाने से लेके आर्थिक मदद से लेके सब काम के लिए अपना मिशन खड़ा रहा। ऐसे लोगों की पीठ भी थपथपानी है, उनसे भी कहना ये मिशन जीवंत रहा है। तो ऐसे लोगों से ही जीवंत रहा है जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को, अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों को ताक पर रखकर समाज के लिए जीना सीखा है, समाज के लिए कुछ करना सीखा है। बोला हमें फिर से ही वही चीज़ें लागू करनी है, अपने मन का उत्साह, अपने मन का प्रेम। यहाँ से जाएँ तो कहीं ऐसा ना हो भाई सामने वाला छींक दिया, खांस दिया, अरे भाई कैसे जाओ। नहीं, सर्दी जुकाम तो किसी को भी हो सकता है। हम डर इतने गए हैं कि सर्दी जुकाम में कौन डरता है? बच्चों में हो जाता है, बड़ों में हो जाता है, अपने घरों में सब वही काढ़ा वाड़ा पी के। हाँ, प्रिकॉशन ज़रूर लो, ठंडी चीज़ें ऐसी चीज़ मत लो जो गला पकड़ जाए। भाई सर्दी जुकाम में क्या होता है, पहले नाक पकड़ में आती है, फिर गला पकड़ में आता है, फिर लंग्स पकड़ में आते हैं। तो इतनी पकड़ने की ज़रूरत न पड़े, इसलिए हमको अपने आप पर नियंत्रण रखना है। जहाँ तक संभव हो घर का ही खाना, बाजार की चीज़ें जाने कैसी हैं, क्या है, किसके हाथ की बनी है, क्या है, इन चीज़ों को जहाँ तक संभव हो ना, ये देखो कहीं मजबूरी फंस जाए तो बात अलग है, लेकिन फिर भी इन चीज़ों से बचाव रखना। और सब अपनी अपनी तबीयत का जरूर ख्याल रखना। ठीक है, हम प्यार बांटने जा रहे हैं, सहकार बांटने जा रहे हैं, उनका दर्द बांटने जा रहे हैं, लेकिन हमको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। मनोबल के सहारे जाना और खूब बढ़िया बढ़िया मिशन का नाम रोशन करके आना। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।